इतिहास की कहानियों में किरदार बहुत मिले, इतिहास की कहानियों में किरदार बहुत मिले, राम तो पार कर गए, हनुमान आज भी भटके। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। जब भी बात रामायण की होती है तो हनुमान ये ऐसा शब्द है, ये ऐसा किरदार है जो अछूते नहीं हैं। हनुमान जब भी दिखे हैं प्रभु श्री राम के दरबार में एक सेवक की भूमिका में दिखे हैं, चरण में वंदन करते हुए दिखे हैं, और चाहे बात जब भी हो, जब भी राम जी मुश्किल में पड़े, हनुमान ने बेड़ा पार लगाया है। तो ऐसे में आज आप सोच रहे होंगे कि राम जी और हनुमान जी क्यों चर्चा में हैं। बिहार की राजनीति में भी प्रभु श्री राम का चर्चा और हनुमान बनने का चर्चा वो लगातार चलता रहता है। ऐसे में हमने देखा है कि किस प्रकार से अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और ऐसे में प्रभु श्री राम और हनुमान दोनों चर्चा में, यानी कि बात हो रही है सीधे तौर पर चिराग पासवान की, जो हमेशा राम के हनुमान बनने की बात कहते हैं। राम कौन? बीजेपी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, जब लोजपा में जो हमने देखा एक बड़ा सियासी तूफान देखा, उस दौरान भी जब चिराग पासवान पहली बार प्रेस मीडिया से, मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब राम को पास जा करके हनुमान को अनुनय विनय करना पड़े, तब वे राम किस बात के और हनुमान किस बात के। अब बात आगे बढ़ गई है, यानी कि अब जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और ऐसे में सीधे तौर पे समझिए बहुत सारे नाम जो हैं चर्चा में हैं। सबसे बड़ी बात जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, यानी कि मंत्री के इस रेस में, पशुपति कुमार पारस जी, जो कि चिराग पासवान जी के चाचा हैं, लोजपा में इतनी बड़ी चीज़ें हुई है उस पर भी सबकी नज़र है कि पशुपति जी क्या गुल खिलाते हैं, उन्हें कैसे लिया जाता है। लेकिन एक बात इस सवाल में ही, इस बात का जवाब भी है, क्योंकि अगर मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर तो आएंगे, लेकिन हमने ये इतिहास को भी देख लीजिए, जब भी बात उत्तराधिकारी बनने की आई है, जब भी बात आई है कि इस पूरा राजपाट को कौन संभालेगा, तो सेवक कभी भी सत्ता में नहीं आता है। सेवक हमेशा ही अनुनय विनय में ही रह जाते हैं। सेवक जो है, सेवक का स्थान चरण में ही होता है, सेवक हमेशा शरणागत ही होते हैं। जब भी बात आई रामायण में भी उत्तराधिकारी बनने की, तो राम के उत्तराधिकारी लव कुश बने, और राम के उत्तराधिकारी अगर चाहते तो लक्ष्मण बन सकते थे, हनुमान तो उस रेस में थे ही नहीं। तो हनुमान जो चिराग पासवान जी खुद को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस रेस से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा गया है, इतिहास की बात है। और ऐसे में पशुपति कुमार पारस जी का नाम अभी भी आगे चल रहा है। आपको बता दें कि खबर ये आ रही है, सियासी गलियारों में इस बात की खबर आ रही है कि जदयू के लिए जितने भी कोटे जो हैं प्रस्तावित हुए हैं, अभी 2+1 का समीकरण सामने आ रहा है, इस बात पर फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन बात ये भी आ रही है कि उसी में पशुपति कुमार पारस जी को भी गिना जा रहा है। यानी कि ये भी बात मानी जा रही है कि भले ही चिराग पासवान जी इस बात का अल्टीमेटम दे रहे हो कि नीतीश कुमार जी को अगर पशुपति कुमार पारस जी को मंत्री बनाना है तो अपने सिंबल पर, यानी कि जदयू के सिंबल पर जाकर के बनाएं, लेकिन वे लोजपा के ही सिंबल पर बनने जा रहे हैं, ऐसी बात सियासी गलियारों में चल रही है। और पशुपति कुमार पारस जी को जो नीतीश कुमार जी के लिए जो सीटें, जितनी भी बातें तय हो रही है, जितने सीटें मिल रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो, चाहे राज्य मंत्री में हो, तो कैबिनेट में हो, तो ऐसे में पशुपति कुमार पारस जी को भी वहीं एडजस्ट किया जाना है। लेकिन एक बात फिर से यही बात है कि जो बात रामायण में हुई थी कि जो हनुमान थे, हनुमान चरण में ही रह गए, और जो और उत्तराधिकारी बनाने की बात हो रही थी, तो उस रेस में हनुमान जी को कभी रखा ही नहीं गया था, सत्ता हनुमान जी के हाथ में कभी आई ही नहीं थी। और जो चिराग पासवान हनुमान होने की बात कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को भूल गए थे। और सीधे तौर पर चिराग पासवान जी ने एक और बात कही है कि 6 बजे का उन्हें भी इंतज़ार है, और ये साबित हो जाएगा कि असल में राम कौन है। उस वक्त जब ये चिराग पासवान जी कह रहे थे, तो शायद भूल गए थे इतिहास कि राम ने कभी भी हनुमान के हाथ में सत्ता की कुंजी सौंपी ही नहीं थी, बल्कि कुछ और बातें स्थापित होगी बिहार की राजनीति में। तो 6 बजे का आप भी इंतज़ार कीजिए, मंत्रिमंडल के विस्तार का आप भी इंतज़ार कीजिए। भारत लाइव की टीम सक्रिय भूमिका निभा रही है, पैनी नज़र बनाए हुई है, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुँचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूँ ही देखते रहें,
शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।